एक समय की बात है, भगवान बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। ज्यादा चलने के कारण वे विश्राम करने के लिए एक साथ बैठ गए। समय बिताने व थकान मिटाने के लिए बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई कि किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसने कड़ी मेहनत करके नाम धन दौलत कमाई। उसकी गिनती अब अमीर सेठों में होने लगी थी। उसका जीवन बहुत ही आलीशान व आनंदित होकर बीतने लगा था। एक दिन किसी दूसरे शहर से उसका मित्र आया। उसने बातचीत के दौरान बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया है। बेचारे की सारी धन दौलत धरी की धरी ही रह गई। बात बहुत ही गंभीरता से कही गई थी। तो वो सेठ मन ही मन ये सोचता है कि एक दिन उस सेठ की तरह वो भी मर जाएगा। उसे ये बात इतनी सताने लगी थी कि उसे दिन रात चलते फिरते बस यही ख्याल रहता था कि हाय, एक दिन मौत आएगी और उसे भी ले जाएगी। उसके भीतर का दुख ऐसा था कि उसे वो किसी से भी नहीं कह सकता था। लोग भी सोचने लगे थे कि अचानक सेठ को हो क्या गया है, इतना सब कुछ होते हुए भी क्या चिंता खाई जा रही है इन्हें। सेठ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बहुत इलाज करवाया गया परंतु उनका ये रोग कम होने की जगह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उनके घर पर आया। वो रो रो कर उनके पैरों में गिर पड़ा और अपनी पीड़ा उसे बताई। साधु ने सुना और हंसकर बोला, तुम्हारी ये पीड़ा का इलाज तो बहुत ही सरल है। आदमी खुशी से झूम उठा, मानो उसके खोए प्राण वापस लौट आए हों। उसने साधु से निवेदन किया, कृपया मुझे बताएं क्या इलाज है मेरी इस पीड़ा का। तो साधु ने कहा, बस एक बात अपने मन में बैठा लो, अपने मन में ठान लो कि जब तक मौत ना आए मैं अपना जीवन शांति और खुशहाली से ही जीऊंगा। इस नुस्खे को आजमाओ, मैं अगले सप्ताह फिर आऊंगा। 7 दिन बीत चुके थे, साधु महाराज आए। वो देखते हैं कि शेर तो बिल्कुल ठीक है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर शेर दौड़ा और उनसे कहा, हे प्रभु, आपने मुझे बचा लिया। आपके कारण ही मैं इस घोर पीड़ा से बाहर निकल पाया हूँ। ऐसा कहते ही सेठ साधु के चरणों में गिर गया। सेठ बोला, मैं समझ गया हूँ प्रभु, जब मौत आएगी तभी आएगी, मेरे डरने से नहीं, ये अपने समय पर ही आएगी। साधु महाराज बोले, पुत्र, मौत का डर दुनिया का सबसे बड़ा डर है। मौत तो इंसान को केवल एक ही बार मारती है, लेकिन मौत का डर इंसान को हर रोज मारता है। सेठ साधु की बातों को समझ गया और शांतिपूर्वक व खुशहाली से अपना अमूल्य जीवन व्यतीत करने लगा।